नमस्कार वीक्षकरे, यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ತೌಸೀಫ್. लापता व्यक्ति की तलाश. शहर बीजापुर के जेएम रोड पेटी बॉडी निवासी एजाज तेनहली पिछले 8 मई 2023 बागलकोट से लापता हैं. इनके घर वालों के मुताबिक पिछले कई महीनों से बागलकोट शहर में कंस्ट्रक्शन लेबर यानी शेंटरिंग काम कर रहे थे, मगर अचानक 8 मई 2023 यानी तकरीबन 18 दिन से लापता हैं. इनके घर वाले काफी परेशान हैं. इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बागलकोट पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है. हमारा आप लोगों से आग्रह है कि अगर ये व्यक्ति कहीं मिल जाए या फिर दिखाई दे तो मेहरबानी करके स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें या हमारे माध्यम से कॉन्टेक्ट करके बिछड़े हुए को मिलाने में मदद करें. इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बिछड़े हुए व्यक्ति अपने घर वालों से दोबारा मिल पाएं. अस्सलाम वालेकुम, मैं बीजापुर की रहने वाली हूँ, जामिया मस्जिद पेटी बोड़ी के पास. मेरा नाम हिना कौसर है, एजाज तेनहली है, और मेरे शोहर का नाम एजाज नूर अहमद तेनहली है. और वो बागलकोट को काम के लिए 6 से 7 महीने वहाँ गई उधर, ऐसा फिर भी बीच में आना जाना करते थे. 8 तारीख को वो वहाँ से निकले हुए हैं, आज को 18 दिन उनका पता नहीं चल रहा है. ये फ़ोटो देखकर आप जहाँ भी दिखे हुए हो तो प्लीज़ कांटेक्ट ये नंबर को कीजिए, नहीं बागलकोट पुलिस स्टेशन में. मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक राजे साहब तेनहली है. मेरे भाई के बेटे एजाज नूर अहमद तेनहली ये 8 तारीख से 8/5 से लापता हैं. ज़रा इनका कहीं भी पता चला तो. 6 महीने से बागलकोट में काम कर रहा था, आते जाते रहता था 8 दिन में 15 दिन में एक बार. 8 तारीख की सुबह बीजापुर जाता हूँ बोल के मिस्त्री के पास से पैसे लेके निकला, वापस बीजापुर नहीं आया. मेहरबानी करके अगर कहीं भी दिखे या मिले तो इसको कॉन्टेक्ट कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी. डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका. स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है. अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972959599 और 8050828793. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.